हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 5 सॉल्व प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे जो कि CSIR नेट पे पूछे गए हैं पार्ट ए में। पार्ट ए के क्वेश्चंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बच्चे पार्ट ए को इग्नोर करते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। पार्ट ए पे अगर आपकी स्ट्रांग हो जाती है तो आपको CSIR नेट क्लियर करवाना थोड़ा आसान हो जाता है, ठीक है। तो पार्ट ए पे भी हमें फोकस करना चाहिए और इस पे हम अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करने के लिए मैं इस पर सीरीज़ चलाता रहूँगा 5-5 क्वेश्चंस की जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है ये CSIR नेट जून 2012 में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या बोलती है, द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन सेंटीमीटर स्क्वायर इज, ये हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिनमें से कोई एक ही करेक्ट है, ठीक है। ये हमारा फिगर है, ये एक सर्कल है जिसके अंदर इसको 4 भागों में बांटा गया और उसके अंदर ये ट्रायंगल बने पड़े हैं। हर एक इसकी मेजर 2 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस हमारा कितना है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट भी कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो ना ट्रायंगल बन रहा है उसका बेस 2 सेंटीमीटर है और हाइट भी कितनी सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर, ओके। तो अगर आपको ये शेडेड रीजन निकालना है पहले वाले क्वेश्चन में, तो अगर सर्कल के 4th क्वाड्रेंट में से इस ट्रायंगल को मैं माइनस कर दूं तो ये ब्लैक वाला पोर्शन शेडेड रीजन बच जाएगा, ठीक है। तो यही हमें करना है, बहुत इजी क्वेश्चन था। तो देखिए आर हमारे पास 2 है, सबसे पहले हम क्या निकाल लो, एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, आर की प्लेस पे 2 रख दो तो यहाँ से क्या जाएगा 4 पाई। हमें बस 4th वाला क्वाड्रेंट चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ 1/4 सर्कल 4 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, पाई। अब क्या करना है, मुझे इस ट्रायंगल को माइनस करना था, तो ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस हमारा कितना है 2 मैंने बोला था और हाइट भी कितनी है 2 है, 2 से 2 कैंसिल कितना गया 2। तो शेडेड रीजन निकालना है हमें, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल जो 4th पार्ट है वो लेना है माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सर्कल 4th पार्ट का कितना आया था, पाई, ठीक, पाई लिख देंगे, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया था 2, तो पाई माइनस 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। ये बात आई समझ में, ये क्वेश्चन आया समझ में। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी हमारे CSIR नेट जून 2012 में पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन सारे आसान होते हैं, बस आपको थोड़ा सा फोकस करना होता है क्वेश्चन को और क्वेश्चन कर करके ही आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छा बन पाता है। इस क्वेश्चन में ये बोला है द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में जो 3 कोण हैं शेप्ड गार्डन आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एंड द स्मॉलेस्ट साइज इज 10.00 है, इसका मतलब 10 मीटर है। द टोटल लेंथ ऑफ द फेंसिंग ऑफ द गार्डन इन मीटर इज, 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें जिनमें से कोई एक करेक्ट होगा। क्वेश्चन में ये बोला है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि गार्डन है, ठीक है, और इनमें जो एंगल है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जानते ही हैं, जिनके बीच का डिफरेंस इक्वल होता है, तो मैंने मान लिया आप, और आपको ऐसे बनाना एंगल, ये एंगल फिक्स हो गया, ये एंगल फिक्स है क्योंकि राइट एंगल बोला तो ये 90 हो, तो बचे दो एंगल उनका सब 90 होना चाहिए, और ऐसे लेना है कि सबके बीच का डिफरेंस भी कितना हो, इक्वल हो। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसे 30 होने पड़ेगा और इसे 60, 30, 60, 90, तो इन सबके बीच का डिफरेंस कितना है 30, 30, ठीक हो गया। हमें स्मॉलेस्ट बोला है तो इसे स्मॉलेस्ट कंसीडर कर सकते हो या फिर आप इसको भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैंने इसको मान लिया है। तो ये पता है और निकालना ये है, क्योंकि दोनों निकाले ना बिठा हुआ एक एक करके, तो ये क्या हो जाएगा, इस ये एंगल है, इसके सामने वाला क्या होता है लंब, और ये क्या होता है आधार, लंब बटे आधार क्या होता है 10 थीटा, थीटा कितना है 60, 10 60 की वैल्यू √3, तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि देखो AB की वैल्यू कितनी है 10, तो ये क्या हो जाएगा 10√3 हो जाएगा,
एसी की वैल्यू। अब हमें ये भी पता चल गया ये कितना है 10√3 है और ये कितना है 10 है, तो पाइथागोरस थ्योरम्स लगा कर मैं इसकी वैल्यू में निकाल सकता हूँ बीसी की। तो निकाल देंगे अब हम, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए, बीसी रूट के अंदर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर दिया, 100 + 300 आ गया, तो रूट के अंदर क्या आ गया 400 यानी कि 20। तो अब हमें तीनों साइड मिल चुके हैं, पहला अब पेरीमीटर निकालना है, बोला है गार्डन का पेरीमीटर निकालो, पहला लेंथ दूसरा लेंथ प्लस तीसरा लेंथ, 10√3 को सॉल्व करेंगे तो 17.32 आएगा और सबको ऐड कर देंगे तो 47.32 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड वो ट्रू हो जाएगा। हो गया, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में, ये भी CSINET जून 2012 में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कहती है, ए बी इज़ द डायमीटर, ये देखिए फिगर इन्होंने दे रखा था, ए बी इज़ द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कुलर एज शोन इन द डायग्राम, और आपको ये बता रखा है इफ़ ए क्यू इज इक्वल टू ए बी, ये जो पोर्शन उन्होंने बोल दिया है ना ये आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए बोला है। अगर आपने क्लास छोटी क्लासों को पढ़ाया होगा ना ट्यूशन वगैरह तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्लास 9 का क्वेश्चन ही है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, तो फिर आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ज़रा ध्यान से देखिए, हमसे जो एंगल की बात कर रहा है पी और क्यू एंगल के बारे में पूछ रहे हैं, इस पी एंगल और क्यू एंगल के बारे में पूछ रहा है, अगर आप जब आप ऑप्शंस को देखेंगे। और देखिए ये क्या है, एक सेमी सर्कल है, ठीक, और ये जो दोनों एंगल बन रहे हैं वो एक ही बेस पे बन रहे हैं और सेमी सर्कल के अंदर बन रहे हैं। तो जो थ्योरम होती है ना, जब भी ऐसा होता है तो थ्योरम क्या कहती है, तो जो एंगल होते हैं वो ऑलवेज राइट एंगल होते हैं, तो यानी कि ये जो एंगल पी और एंगल क्यू होगा वो 90 होंगे, दोनों ही 90 होंगे, तो इस वजह से दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी कि जो ऑप्शन थर्ड है वो आपका ट्रू चला जाएगा। ये भी आ गया समझ में आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन CSINET जून 2016 में पूछा गया था, पार्ट ए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहती है, जरा ढंग से पढ़ना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस ऑप्शंस को देखते हुए ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। कह रहे हैं चूज द 4-डिजिट नंबर इन विच द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ डिजिट, पहले और चौथे का जब डिजिट का अगर प्रोडक्ट कर दे तो 40 आता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ मिडिल डिजिट और बीच के दो को अगर प्रोडक्ट गुणा करते हो तो 28 आता है, द 1000 डिजिट इज एच मच लेस देन द यूनिट डिजिट एज द 100 डिजिट इज एज मच लेस देन 10th डिजिट। ये हमें रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, इनको फॉलो करना है, और ये जो ऑप्शन दे रखे हैं इन्हीं की मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपका सोल्यूशन नहीं देखता, वो आपका आंसर देखता है, आपने कैसे भी किया उसे कोई मैटर नहीं पड़ता। तो ट्रिक हम यूज़ करेंगे, मान लेते हैं कि वो चार नंबर की संख्या क्या है, ए बी सी डी है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला है कि पहले और चौथे को जब आप गुणा करते हो तो 40 आता है, बीच वाले दोनों को गुणा करते हो तो 28 आते हैं, ये तो सिंपल से था। और फिर ये बोला था द 1000 डिजिट इज एच मच लेस देन द यूनिट डिजिट, मतलब 1000 डिजिट कौन सा है, यहाँ पर ए है 1000 डिजिट, ठीक है, तो क्या करना है, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करना है, और फिर बोला 100 में से 10th डिजिट वो आपस में क्या है, बराबर है, यानी कि डी माइनस ए किसके बराबर है, सी माइनस बी के, ये हमने लिख दिया है। अब जो ऑप्शंस इन सब रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करेगा वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। पहला ऑप्शन देख लो, ए डी 40 होना चाहिए, मतलब पहले और लास्ट के गुणा 40, 5 × 8 = 40, 5 × 8 = 40, 8 × 45, 8 × 45 सारे सेटिस्फाइड हो रहे हैं, बीच में गुणा करने पर 28 आना चाहिए, 10 × 28 × 28 × 28 × 28, ये भी संतुष्ट कर रहे हैं। अब आ जाऊँ इस ऑप्शंस पर, इसमें दूसरे वाले पे आ जाऊँ, डी माइनस ए 8 − 5 कितना है, 3 है, ठीक है, और इधर देखो फिर क्या है, सी माइनस बी और 7 − 4 कितना है, 3 है, तो ये 3 है और ये -3 है। देखो हमारा डी क्या है, देखिए डी हमारा क्या है, 8 है,
और यहाँ से क्या है, एक कितना है हमारा, 5 है, 8 माइनस 5 3 आ जाएगा, फिर सी माइनस बी 7 में से 4 गया ये आ जाएगा। तो जब आप रिस्ट्रिक्शन को देखोगे, सभी रिस्ट्रिक्शन को फॉलो करोगे, तो आपको आपका आंसर पता है कौन सा मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और बाकी सारे ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक, ये भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है जून 2015 में सीएसएन नेट पे। क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इज सेम एज 2 की पावर 2 दे रखा है। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो कौन सा करेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखो सॉल्यूशन क्या करेंगे, हम ले लेंगे ये 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होते हैं, और 2 की पावर 4 क्या होता है, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 16। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में ज़रूर आए होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करो। थैंक यू।